Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Green Hell. Alright guys, तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि हम लोग Amazon के खतरनाक रेन फॉरेस्ट में बुरी तरह भटक चुके हैं, खो चुके हैं उन जंगलों के बीच, और अभी हमें वहां से बाहर निकलना है वरना हम कुछ ही दिनों में मारे जाएंगे. और लास्ट एपिसोड में हमारे ऊपर तो एक प्यूमा जगुआर ने अटैक भी कर दिया था. उसने हमारे हाथ में अपना पंजा मारा था जिस वजह से वहां से खून निकलना शुरू हो गया था. तो ब्लीडिंग तो हमने रोक ली थी, बट उसके पंजों की वजह से ना वहां पे इन्फेक्शन हो रहा है और अपना हाथ खराब होते जा रहा है. हमें उसे भी ठीक करना है. और हम लोग एक अलग सी जगह पे पहुंचे थे जहां पर बहुत अंधेरा था. अब दिन होगा तो हमें मालूम पड़ेगा कैसी जगह है, ये बाहर निकलने लायक है या फिर नहीं. गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ और सुबह के 10:30 बज रहे हैं. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार मैं ये कहाँ पे आ चुका हूँ, क्योंकि जब मैं इस जगह पे ऐसे भागता हुआ आया था ना तब काफी ज्यादा अंधेरा हो रखा था. तो मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ और ये रास्ता कहाँ को जाता है. बट हाँ, ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सी लग रही है. यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं पर किसी भी पेड़ में पत्तियाँ नहीं है. पता नहीं इसके पीछे का रीज़न क्या है. बट हाँ, मुझे इतना पता है कि ये कोई ड्रग कैंप तो नहीं है. ये कुछ इंसानों ने ही बनाया हुआ है और शायद से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सामान हमें मिल सकता है. बट उससे पहले ना गाइस, मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ कि आखिरकार मैं यहाँ पर भागता हुआ क्यों आया था. आपको पता होगा लास्ट टाइम मेरे हाथ में उस जगुआर ने अटैक करा था. उस अटैक की वजह से ये देखो इस इन्फेक्शन की मैं बात कर रहा था. और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें प्रॉब्लम होती जाएगी और हमारा हाथ खराब हो जाएगा. इसे ठीक करने के लिए हमें मैगोट्स चाहिए होंगे और मैगोट्स हमें मिलने वाले हैं किसी डेड एनिमल की बॉडी पे. ये देखो हमारे पैर में भी कीड़े ने काट लिया. ऐसे खुले में सोने से ना यही होता है यार, पैर में पता नहीं कैसे कीड़े ने काटा हुआ है. मुझे इसे ठीक करना होगा. और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे हिसाब से हमारी बॉडी में भी चल रही है. अगर मैंने उसे ठीक नहीं करा ना तो हम लोग जल्दी मारे जाएंगे. ये ओ भाई साहब, ये फ्रॉग कहाँ से आया? मैं डर गया कसम से. बहुत अजीब अजीब एनिमल्स है इस जंगल में. और नहीं, मेरे हाथ पे भी वो कीड़े ने काटा हुआ है. मुझे एक और बोन नीडल बनानी होगी. इसका भी मुझे फटाफट से ना ट्रीटमेंट क्योंकि करना है भाई. हमारे हर एक बॉडी पार्ट में भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रखी है. तो मुझे ये बोन नीडल लगानी है यहाँ पर ताकि उस कीड़े को बाहर निकालें. और यहाँ पर लगा देते हैं बैंडेज. अभी हम बिल्कुल ठीक हैं, बट मुझे मैगोट्स ढूंढ के इस इन्फेक्शन को ठीक करना होगा. क्या होता है जितने भी जम्प्स होते हैं वो सारे मैगोट्स खा जाएंगे. बट उसके लिए एक डेड एनिमल बॉडी मुझे ढूंढनी होगी. पता नहीं कहाँ पर होगी. बाकी अभी अपनी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम. ओ भाई, अपनी बॉडी में बिल्कुल भी पानी नहीं है. वेट यार, पानी मुझे ढूंढना होगा कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी. पानी नहीं मिले, एटलीस्ट मुझे कुछ कोकोनट मिल जाए उनसे भी अपना काम हो जाएगा. बट कुछ आइडिया नहीं वो कहाँ पे मिलने वाले हैं. फिलहाल यहाँ पर एक बैग है. वैसे पानी ना गाइस हमें इजीली मिल जाएगा. वेट, मैं टेंशन क्यों ले रहा हूँ. मेरे पास कुछ ओ वाओ, मेरे पास कोकोनट बाउल है. जैसी बारिश होती है मैं इनमें पानी इकट्ठा कर लूँगा और वो पानी एकदम क्लीन होता है और हेल्दी होता है. उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. बाकी मुझे यहाँ पर ना ये जगह मैंने सारी ढूंढी नहीं थी उस रात. यहाँ पर क्या, ग्रैपलिंग हुक. वेट गाइस, आप लोग को कुछ याद आया? ये ग्रैपलिंग हुक कहाँ पर काम आने वाला है भाई? अमेजिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस. ग्रैपलिंग हुक एक जगह हमने शुरुआत में देखी थी, वहाँ पर चढ़ने के लिए ग्रैपलिंग हुक चाहिए था. बट हमें पता नहीं लग रहा था उस टाइम ये कैसे मिलेगा, कैसे बनेगा. बट अभी हमें वो मिल चुका है. यहाँ पर काफ़ी सारे बैग हैं. इन बैग के अंदर खाने पीने का बहुत सारा सामान है, कुछ पेन किलर्स हैं. यहाँ पर एक फर्स्ट एड बॉक्स है, इसके अंदर भी बहुत सारी पेन किलर्स हैं. बट इन पेन किलर्स से ना शायद जो अपना इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होने वाला. ये पेन किलर बस दर्द रोक सकती है, कोई चीज़ को ठीक नहीं कर सकती. उसको ठीक करने के लिए मुझे डेड एनिमल बॉडी ढूंढनी होगी. बट हाँ, अच्छी बात है कि उस इन्फेक्शन से ना हमारे को बहुत धीरे धीरे प्रॉब्लम हो रही है. ऐसा नहीं है कि झटके से हम लोग मारे जाएंगे अगर हम लोग टाइम टू टाइम खाना खाते रहेंगे. बट हाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा ना कमज़ोर हो चुके हैं. इस टाइम अगर बाय चांस कोई भी ट्राइब का मीन्स आदिवासी या फिर कोई भी हमारे ऊपर अटैक करता है ना तो हमें प्रॉब्लम, मतलब वो हमें बहुत ईजिली मार सकता है. यार वैसे हमेशा बारिश होते रहती है पर आज हमें ज़रूरत है बारिश की. तो भाई बादल एकदम गायब है, मौसम पूरा साफ हो रखा है. मैं काम करता हूँ थोड़ी देर ना आगे तक घूम के आता हूँ. क्या पता मुझे कोई ना कोई कोकोनट ही मिल जाए. यार कहाँ पे मिलेंगे कोकोनट? इस तरफ में रास्ता तो जा रहा है एक और यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रंक पड़े हुए हैं. वेट, ये क्या है? ओ भाई साहब, ये तो प्रॉपर ह्यूमन स्कल है. नहीं भाई ये नहीं हो सकता यार. वहाँ पर एक नोट भी है, पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ, मुझे रीड करना. और टू गार्ड्स चेंजिंग रेगुलरली पिस्टल्स एंड मशीन गन एंड ओल्ड पैडलॉक्स. भाई साहब कोई तो अजीब ही दुर्घटना घटी है यहाँ पर. ऐसे लग रहा है कि कुछ इंसानों की बॉडी को लाकर यहाँ पर रखा है और जो जला दिया गया है. भाई पता नहीं यार कैसा ही सीन देखने को मिल गया.
भाई 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 बड़ा बड़ा अजीब सा यार ये। छोड़ो यार मैं यहाँ से जा रहा हूँ। खैर हमें यहाँ से कोई भी खास चीज़ तो नहीं मिले और मुझे यहाँ से कोई खास चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी भाई, पर पता नहीं ये क्या देखने को मिल गया भाई। यहाँ पर कोई ना जरूर कुछ अलग सी मिस्ट्री तो है। शायद एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं, मतलब कुछ नॉर्मल ह्यूमन नहीं यहाँ पर इन ट्राइब के बंदों को मारा होगा। यहाँ पर कुछ स्टिक्स है, ये मैं उठा लेता हूँ। अरे बारिश, भगवान बारिश करा दो यार थोड़ी देर, मेरे को पीने का पानी मिल जाएगा। यहाँ पर दूर दूर तक मुझे कोई भी रिवर या फिर कोई भी वाटर पूल नज़र नहीं आ रहा जिसमें थोड़ा बहुत भी पानी इकट्ठा हो रखा हो। भाई साहब भगवान ने सुन ली, बादल गरज रहे हैं। सही बता रहा हूँ, शायद अब बारिश होने वाली है। 10 सेकेंड में पक्का बारिश यहाँ स्टार्ट हो जाएगी और बारिश स्टार्ट होगी। वाह भाई क्या क्या ही मजे हैं। लेट्स गो, बारिश यहाँ पर हो चुकी है। मुझे एक ग्रैपलिंग हुक मिला है, शायद से हमें यहाँ पर बस वो ग्रैपलिंग हुक लेने के लिए आना था। बट यहाँ पर से जाने से पहले ना मैं अपने लिए पानी इकट्ठा कर लेता हूँ। और मेरे पास ये जो अपने पास ये बो है ना, मुझे से ये देखो भाई, इनकी ना इतनी दिक्कत रहती है। मेरे हाथ में देखो क्या कर रहा है, पूरा ब्लड चूस रहे हैं। निकल तेरी ऐसी की तैसी, रुक जा, ओए निकल यहाँ से, तू भी निकल, भी पिलवाता हूँ ब्लड। राइट वाला हैंड चेक कराओ यार, ये तो ठीक करना पड़ेगा। मेरा पैर एकदम ओके हो चुका है, लेफ्ट लेग भी एकदम ओके है। अब बस अपनी बॉडी में वो जो हाथ वाली प्रॉब्लम है ना वही है। बाकी पानी हम लोग यहाँ से पी लेते हैं, इकट्ठा हो गया बहुत सारा। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैंने यहाँ से बहुत सारा पानी तो पी लिया है। मुझे नहीं लगता अभी अपनी बॉडी में पानी की ज़्यादा कमी होगी, थोड़ा बहुत पानी और पीना है। और मुझे ना कुछ खा भी लेना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें भूख लग रही है इस टाइम पर खाने के लिए कुछ भी खास बचा नहीं है। यहाँ पर जितना भी है सारा का सारा पैक्ड फूड है, ये सब खा लेते हैं, इससे थोड़ी सी अपनी सैनिटी दूर होगी। नहीं 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 सॉरी, पैरासाइट्स ठीक होता है इससे, सॉरी। बाकी इस वाले कैन में फुल चीज़ भरी हुई है, ये वाला कैन मिल्क का है, तो ये हम खा लेते हैं फटाफट से। ओके मेरे हिसाब से भी सब कुछ एकदम डन है, एक एक बारी और पानी पी लेते हैं और सारे के सारे कोकोनट बाउल में उठा के वापस से अपने बैग में रख लेता हूँ। और एक बारी ना हम लोग चल के सो लेते हैं ताकि फटाफट से जल्दी से बारिश अपने आप ही बंद होने वाली है थोड़ी देर में। ठीक है, तो भी मुझे रास्ता भी याद हो चुका है कि किस रास्ते से मैं यहाँ पर आया था, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं कुछ सीढ़ियाँ उतरा था और एक लिफ्ट चढ़ा था। खैर लिफ्ट का तो पता नहीं, पर वो जो सीढ़ियाँ हैं ना वो मुझे सामने दिख गई है। बट यार ये जगह कैसी अजीब सी थी मुझे कुछ ही नहीं पता भाई, यहाँ पर वो ह्यूमन स्कल्स क्या कर रहे थे, पूरे ऐसा गड्ढा सा है, इस गड्ढे में पूरा गंदा पानी भरा हुआ है, पता नहीं यार कैसी सी जगह। बट हम लोग यहाँ से सेफली बाहर आ चुके हैं, इससे अच्छी बात अपने लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी फटाफट हमें यहाँ से, यहाँ पर कोई बनाना ट्री है, ओ नाइस हमें यहाँ से कुछ बनाना मिल चुके हैं, ये ले लेता हूँ भाई, भूख बहुत तेज लग रही थी। तो अभी मुझे वापस से उस जगह पे जाना है जहाँ से मैं यहाँ को आया था, और यहाँ पर मुझे कुछ मॉलन एरियाज मिल चुके हैं जिसे मुझे तोड़ना होगा, क्योंकि इसी से अपनी बैंडेजेस वगैरह बनती हैं जिससे हम लोग ठीक हो पाते हैं। ओके तो मैंने इसे यहाँ पर उठा लिया है, थोड़ा बहुत सामान मुझे फेंकना पड़ गया, बट हाँ वो सामान ज़्यादा अपने काम का भी नहीं था। यहाँ पर कुछ मशरूम्स वगैरह ये ले लेते हैं यार, अभी ना मुझे जल्दी जल्दी मैगोट्स ढूंढने होंगे। और मेरे हाथ में कुछ तो चिपका गाइस, यहीं कहीं ना आसपास वो लिफ्ट भी है जिसके थ्रू हम लोग ऊपर से उतरकर नीचे आए थे, बट अभी ना वो लिफ्ट मुझे यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले मुझे उसे ढूंढना होगा, तभी हम लोग यहाँ से वापस जा सकते हैं, अदरवाइज वापस जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं मुझे समझ आ रहा है। ओके गाइस, तो अभी ना मैं एक बारी वापस से उसी कैंप में पीछे आके सो गया था, क्योंकि जब हम लोग लास्ट डे निकले थे ना तो यार फिर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया और हमें वो लिफ्ट भी नज़र नहीं आई। और पीछे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सामान भी यहाँ पर छोड़ दिया था। ओ वेट, यहाँ एक और बैग है, इसमें बैग ऑफ नट्स मुझे मिल चुके हैं, लेट्स गो। इतना इंपॉर्टेंट सामान अभी मैं गलती से भूल के यहाँ पे चले जाता। इस टाइम पे एक एक छोटी छोटी खाने की चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इसमें भी सही से चेक कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे ग्रैपलिंग हुक तो मिल गया था, बेसिकली अभी ना मुझे उस जगह पर वापस जाना है जो फर्स्ट कैंप हमें वहाँ पर मिला था, पर पता नहीं अभी वो जगह मुझे दोबारा मिलने। वैसे यहाँ पर कुछ भी भाई यहाँ पर एक गोल्ड सैक है, वेट ये गोल्ड सैक किस काम आने वाला है? एम्प्टी कैन फेंको भाई, किसी काम के नहीं है। ये गोल्ड सैक उठा के हम लोग यहाँ पर रखते हैं, पता नहीं यार इसमें से गोल्ड क्या, हम लोग यहाँ पर ट्राइब के बंदों से वो गोल्ड ट्रेड कर सकते हैं क्या, पता नहीं यार। खैर छोड़ो, में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ मिल चुकी है, ये सब तो मैंने चेक कर लिया था, इसमें कुछ नहीं है। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हाँ, तो अभी थोड़ा दिन का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा रोशनी है, और अंधेरा होने से पहले ही मुझे उस लिफ्ट को, जिस लिफ्ट के थ्रू मैं यहाँ पर नीचे उतर कर आया था, उसे ढूंढना है और वापस से उस जगह पे पहुँचना है जहाँ से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और बीच रास्ते में मुझे एक ट्राइब विलेज भी मिला था जहाँ पर कुछ आदिवासी बैठे हुए थे, मुझे उनसे संभल के रहना होगा। ये लिजर्ड को देखो, मींस इस इगुआना को देखो भाई, कैसे कैसे आगे आगे भागे जा रहा है मेरे डरपोक सा। वैसे ये डेंजरस नहीं होते, काफ़ी अच्छी बात है, ये लोग मतलब काटते वाटते भी कुछ नहीं करते, नुकसान नहीं पहुँचाते बस। बाकी जो होते हैं ना यहाँ पर भाई, मधुमक्खी भी काट ले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर। तो खैर अभी मुझे कोई भी रास्ता, मुझे ना मैप समझ के आगे चलना पड़ेगा। वेट,
तो अभी हम लोग यहाँ पर थे और ये है लिफ्ट। लिफ्ट की कोऑर्डिनेट्स है 40 एंड 17 और इस टाइम मेरे कोऑर्डिनेट भी तो 40 एंड 17, यानी लिफ्ट अपने आसपास ही है। मुझे थोड़ी बहुत इधर उधर ढूंढने की और ज़रूरत है। हम लोग लिफ्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा एक बारी मैं आगे चल के देखता हूँ यार, क्योंकि इतना एकदम एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं तो लिफ्ट और रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया, यही तो रास्ता है शायद से लिफ्ट का। बट मुझे यहाँ पर कोई भी ओवरी सामने लिफ्ट, हम लोग ऊपर से उतर के नीचे आए थे, फाइनली हमें वो जगह मिल चुकी है। फटाफट से हम लोग इस लिफ्ट में चलते हैं, बटन दबाते हैं और अभी ये जो लिफ्ट है हमें ऊपर लेकर जाने वाली है, लेट्स गो। यहाँ से हमें ग्रैपलिंग हुक भी मिल चुके हैं, बट मुझे ना थोड़ा बहुत खाना वाना खा लेना चाहिए वरना ये सब ख़राब हो गया तो किसी के काम नहीं आने वाला। और साथ ही एक चीज़ मुझे और ध्यान रखनी है, अपना फूड बार और हेल्थ बार दोनों ही बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा है और उसके पीछे का रीज़न यही है कि जो हमारे वो जगुआर ने हाथ में काटा हुआ है ना, मुझे मालूम है पिछले इतनी देर से एक ही बात रिपीट करे जा रहा हूँ, बट हाँ यार ये सच्ची में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उसे ठीक करना ही होगा वरना हम लोग फंस सकते हैं बहुत गंदी तरह। यहाँ पर एक स्कॉर्पियन था, इसे मैंने मार दिया है। भाई हर एक केव में स्कॉर्पियन या फिर कोई ख़तरनाक स्नेक होता ही होता है, जिससे हमारे हर बारी कोई ना कोई पंगा हो जाता है। बाकी मुझे यहाँ पर ना एक बारी मुझे ट्राइब विलेज में भी चल के देखना है और अगर मुझे कोई एनिमल मिलता है मुझे उसे चुपचाप से मार देना है। फिलहाल अपने हाथ में ना बो निकाल के रखता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो टाइगर यहाँ पर दोबारा से आ जाए और हमें कच्चा चबा जाए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा रेडी हूँ ताकि जब भी आए मैं उसको कूट डालूँ भाई अच्छे से। वेट, सामने सामने मुझे एक एनिमल दिखा, मुझे इसे ना मार के गिराना होगा ताकि इसकी बॉडी को वो मैगोट्स कीड़े खाने आए और हमारा उससे फ़ायदा हो। यार ये एक में क्यों नहीं मरते हैं, ये थोड़ा ना आगे जाके मेरे हिसाब से मर जाएगा, उसके मेरा तीर उसके लगा है। वेट, वो भाग गया यार बहुत दूर, ये बहुत गलत बात लगती है मुझे कसम से। अभी पता नहीं वो यही वाला था, यहाँ पर कोई हो सकता है किसी एनिमल की बॉडी हो, मुझे पहले इस जगह पे ही दिखी थी। वैसे ज़रूरी थोड़ी है ये जगह, ऐसी भी बहुत जगह होती हैं रिपीट एक जैसी। पता नहीं यार, रुक जाओ, वो कहाँ चला गया यार, गायब ही हो गया एकदम। इसी जगह पर तो गाइस मुझे एक बारी टाइगर ने भी काटा था भाई, सही किस्मत थी उस छोटे से एनिमल की भी, सीधा एरो मारी थी मैंने उसकी पीठ पे, बट वो फिर भी पता नहीं कैसे बच के निकल गया। और अभी मैं भागता भागता पता नहीं कहाँ पर आ चुका हूँ। ये जो जगह है थोड़ी बहुत जानी पहचानी तो लग रही है, बट अच्छे से याद नहीं आ रही कि एग्जैक्टली मैं कौन सी जगह पे हूँ। और मुझे अभी थोड़ा बहुत डर इसलिए लग रहा है क्योंकि हो सकता है कि इस जगह पर मेरे ऊपर कोई टाइगर वगैरह आकर अटैक कर दें। बस हाँ, इसी बात का डर है और किसी चीज़ का मुझे डर नहीं है। अभी थोड़ा सा वेट करके ना थोड़ा बहुत खाना खा लेता हूँ यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, बारिश हो रही है तो उसका फ़ायदा उठा के पानी भी पी लेते हैं। हमें ना गाइस धीरे धीरे यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते जाना है, क्योंकि यही वो डायरेक्शन है जो कि हमें अपने उस पुराने वाले ट्राइब विलेज पे लेके जाएगी जहाँ पर इस ग्रैपल हुक का यूज़ होना था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ग्रैपल हुक के थ्रू हम लोग लटक के उस माउंटेन को पार कर देंगे और उस माउंटेन को पार करने के बाद हमें वो जगह मिल जाएगी, मीन्स हम लोग इस जंगल से एस्केप कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी मुझे ना सामने एक मस्त एनिमल दिखा है जिसे मुझे कुछ भी करके मारना है, ये मेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो सकती है। रुको, मुझे इसे फेंकना पड़ेगा, रुको, 3 2 1 लेट्स गो, सीधा हेड में जाके लगाए, लेट्स गो, मैंने इसे मार दिया। अब मुझे देखना है कि क्या इसकी बॉडी पे वो कीड़े अपने आप आके चिपकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो हम अपना हाथ ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम रहेगी। मैं इसके ऊपर ये रख सकता हूँ, पता नहीं यार इससे तो कुछ नहीं होने वाला। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसका वेट करना चाहिए कि इसे कीड़े आके खाएं या फिर मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और थोड़ी देर बाद आके देखना चाहिए। खैर वापस आने का तो कोई मतलब बनता नहीं है यार, कन्फ्यूज कर दिया इसने यार, क्या करूँ, रुक जाओ अभी मैं इसे फाड़ ही देता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो इससे मुझे थोड़ा बहुत फूड मिल चुका है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा फूड है वो मैं खा लेता हूँ। मुझे अपनी बॉडी वॉश करनी है और एक रेड वाला मशरूम, सॉरी येलो मशरूम की मुझे एक ज़रूरत होगी थोड़ी सी। हाँ अपना नहीं, रेड वाले की थी, अपना काम हो चुका है। यार प्लीज़ एक डेड एनिमल की बॉडी मिल जाए यार, मतलब वैसे मिलती रहेगी बट अगर अभी ज़रूरत है तो कुछ अता पता ही नहीं है यार। मेरी बॉडी भी ना काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है और मुझे इसे जल्दी से जल्दी वॉश करना पड़ेगा, अदरवाइज बॉडी में इन्फेक्शन बहुत तेज बढ़ सकता है। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली मैं अपने पुराने वाले ट्राइब के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका हूँ, बस मुझे अभी ना थोड़ा बहुत रास्ता समझ आ जाए कि कौन सा रास्ता हुआ करता था वहाँ पर वापस जाने का। भाई अभी ये सांप काट लेता मुझे बातों के चक्कर में, वो तो ठीक है मैंने इसका साउंड सुन लिया, बट हाँ अभी मुझे उस जगह पे वापस पहुंचना होगा पर मुझे रास्ता नहीं याद आ रहा है। मेरे को थोड़ा सा मैप को ही निकाल के दोबारा से चेक करना होगा कि आखिर कौन सा रास्ता था वहाँ पर वापस जाने का,
मुझे यहाँ पर टायर के फुटप्रिंट्स, मतलब टायर के टायर प्रिंट्स दोबारा से नज़र आ चुके हैं और ये जगह बट अभी तक याद नहीं आ रही। ओके गाइस, तो अभी जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 4721, यानी कि मैं इस टाइम यहाँ पे हूँ। मुझे बस थोड़ा सा ना साउथ की तरफ में मूव करना है और हम लोग उस केव पे पहुँच जाएंगे। तो मुझे इसे निकालना है साउथ, ठीक है। तो यानी मुझे यहाँ से जाना है, इधर कोई नदी है क्या? हाँ, बस मुझे ये वाली नदी पार करनी है, ठीक है ठीक है ठीक है। वाली नदी पार करके रास्ता है, बट यहाँ से शायद से लेफ्ट को जाना है। मैं एक बारी वहाँ पे पहुँच के ना अपना गेम सेव कर लूँ और एक बारी सो जाऊँ, उसके बाद अपना बहुत सा काम आसान हो जाएगा। ये ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है यार, मैं थोड़ा सा गलत आ गया, रुक जाओ, शायद मुझे लेफ्ट को ही जाना है। ओके गाइस, तो फाइनली मुझे वो जगह मिल चुकी है। मुझे मालूम है कि आप लोग को नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि सच्ची में काफ़ी ज़्यादा अंधेर है, मुझे भी खुद सही से नज़र नहीं आ रहा है। बट हाँ, थोड़ी बहुत ये मून लाइट से मुझे आइडिया लग चुका है कि मैं उस जगह पे वापस पहुंच गया हूँ। बस मुझे आगे जाके थोड़ा सा राइट होना है और अपना जो पुराने वाला ट्राइब विलेज था वो मुझे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर ये कुछ येलो मशरूम्स हैं, ये पता नहीं मशरूम रात में एकदम मस्त चमकते क्यों हैं भाई, मतलब बढ़िया बात है ये हमारे लिए, अगर वो चमकते हैं तो हमें दिख जाते हैं, अदरवाइज वो दिखे भी ना। वैसे वो इम्पोर्टेंट नहीं यार, इम्पोर्टेंट होते हैं अगर जब हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं ना, तो फिर मशरूम ही हमारे काम आते हैं सबसे ज़्यादा। बट अभी मुझे डर ये लग रहा है कि यहाँ पर ना कोई डेंजरस एनिमल मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, क्योंकि इस जगह पर हम लोग बहुत टाइम बाद आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, मैं फाइनली पहुंच चुका हूं। मुझे यहां पर अब एक बारी चुपचाप से अपना गेम सेव करना है। ऑल राइट, तो वो तो सेव हो गया, फटाफट से चल के ना हम लोग थोड़ी देर सो भी लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे निकलेंगे उस ग्रैपलिंग हुक वाली जगह पे। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूं और अब आप लोग अच्छे से इस जगह को पहचान गए होंगे आखिर इतनी देर से मैं किस जगह की बात कर रहा था। ठीक है यार, यहाँ पर अपना ये भी हम लोग ड्रॉप करते हैं। और ये क्या था यार, इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते हम लोग? पता नहीं यार, इतना सारा गोल्ड हमें मिला है, ये किस काम आने वाला है? मैं एक बारी ना अपनी बॉडी चेक कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही रात में बाहर? खैर बाहर नहीं सोए थे हम, वो बैकपैक ऊपर लगा हुआ है ट्राइब के। ओ वेट, ये छोटे मोटे कीड़े चिपक जाते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी एकदम ओके है। बाकी मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी पीना। इस एनिमल को ना गाइस एक बारी मैं मार देता हूँ। भागियो मत, भागियो मत यार, मेरा भाला भी ले गया वो, कि थोड़ी देर बाद ना आगे जाके मर जाएगा, और ये मर गया। ठीक है, अब मुझे देखना है इसकी बॉडी पे वो कीड़े चिपकते हैं या फिर नहीं। एक तो ये बावड़ी पूछ पानी के अंदर आके मरा है, पता नहीं अगर चिपकने भी होंगे वो कीड़े इस पे तो भी नहीं चिपकेंगे, पानी के अंदर जो पड़ा हुआ है। ठीक है, मुझे अभी यहाँ से आगे निकलना होगा, पानी की प्रॉब्लम थी हमारे बॉडी में जो कि मैंने पी लिया है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मुझे खाना प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भूख वूख लगती है भाई, इंसान को खाना खा लेना चाहिए हमें सबसे पहले। बाकी जितने भी मैंने कोकोनट बाउल फेंके थे सारे के सारे मैं वापस से उठा ले रहा हूँ, पानी का काम अपना हो गया है, फूड भी मैंने खा लिया है, और अभी मुझे एक एनिमल को दोबारा से ढूंढ के मारना होगा बाहर को। पता है नहीं यार मुझे मैगॉट्स मिलेंगे या फिर नहीं, अगर वो मिल गए ना तो अपना बहुत सही काम हो जाएगा। यहाँ पर एक पिग है, इसको लपेटना, लेट्स गो। ये बहुत सही जगह पर मरा है, अगर इसकी बॉडी में आकर मैगॉट्स चिपकते हैं, मीन्स इसकी बॉडी को खाने के लिए वो कीड़े आते हैं, तो हम लोग भाई सर्वाइव कर जाएंगे लाइफ टाइम। बट अगर वो नहीं हुआ तो हम तब तक प्रॉब्लम में हैं, स्टिल अभी भी हम लोग प्रॉब्लम में चल रहे हैं और कभी भी मारे जा सकते हैं अगर हम पे कोई भी छोटा मोटा बंदा है, फिर कोई कीड़ा ही अटैक कर दे तो भी। बाकी क्रैप व्रैप से मुझे बच के रहना है, तेरी निकल यहाँ से बेचारे डरते हैं। अपनी बॉडी वॉश कर लेता हूँ मैं एक बारी, बहुत देर हो गई। ओके, तो फाइनली थोड़ी बहुत ढूंढा ढांडी करने के बाद मुझे वो जगह मिली गई जहाँ पे मैं हुक लगा के यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ। तो मुझे हुक किस तरीके से लगाना है मुझे देखना होगा। ओके, तो डायरेक्टली मुझे ई होल्ड करके रखना है और ये क्या अपना हुक का ऊपर, और अभी हम लोग उस जगह से ऊपर चढ़ के आ चुके हैं, लेट्स गो। अब ये एक नई जगह हो सकती है या फिर ये वही जगह है, मुझे पहले तो ये पता करना होगा। पीछे हम लोग चल के देखते हैं, यहाँ पर भी एक रास्ता जा रहा है, क्योंकि रास्ता शायद से पीछे कोई जा रहा है, मतलब मैं वहाँ से नीचे जा सकता हूँ और कोई फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, मुझे इस रास्ते से आगे बढ़ना है, क्या पता ये हमें कोई नई जगह पर, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये मुझे कोई नई जगह पर लेकर आया है, ऐसा लग रहा है कि बस ये एक टाइप का शॉर्टकट है जिससे मुझे पूरा घूम के नहीं आना पड़ेगा, बस मैं माउंटेन टॉप के इस तरफ आ सकता हूँ। और सामने कुछ है, वेट, सामने ये जगह भी मुझे थोड़ी बहुत जानी पहचानी लग रही है। यहाँ पर कुछ बोन पड़ी है जो कि शायद से मैंने यहाँ पर ड्रॉप करी थी। ओ वेट यार, ये तो वही ड्रग कैंप है जो कि हमें शुरुआत में मिला था। तो यानी इस हुक से हम लोग एक नए रास्ते पर नहीं आए हैं, बस एक शॉर्टकट रास्ते से माउंटेन पार करके वापस उसी जगह पर आ गए हैं। बट हाँ, इस तरीके से ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर ये हुक यूज़ हो सकता है, मतलब कि मैं थोड़ा सा ना पीछे आ गया, मुझे यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी अगर मुझे आगे बढ़ना है ना तो मुझे मैप के हिसाब से ही चलना होगा,
देखो हम लोग यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ से उसके बाद हम यहाँ पर गए, फिर यहाँ से भी हमने हुक यूज़ करा, इधर दो केव देखी, सब कुछ हम लोग घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचे थे। तो मुझे वापस यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे यहीं से आगे जाना है और इधर कुछ ए टू पॉइंट है। तो अभी नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पर जाने वाले हैं डायरेक्ट, क्योंकि अपने पास हुक है, हम लोग दीवार टाप के जा सकते हैं। शायद से अभी एक यही जगह रह गई है जहाँ पर हमें कुछ ना कुछ खतरनाक सुराख मिलने वाले हैं इस जंगल से बाहर निकलने के। फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टे करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। वहाँ पर जाने के लिए हमें एकदम फुर्सत से अपने आप को ठीक करके निकलना होगा क्योंकि इस टाइम बॉडी में आपको पता ही है भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है। और वेट, मैं अपनी गेम भी तो सेव कर सकता था ना, यहाँ पर मुझे जगह क्यों नहीं मिल रही, इधर स्लीपिंग बैग वगैरह सब कुछ होते थे। ओ वेट फॉर अ सामने, मतलब यहाँ पर ये जो कैंप है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है और सबसे अच्छी ये कि इसमें पहले से एक ये बना हुआ है जिसमें अनलिमिटेड पानी हम लोग पी सकते हैं जब मर्जी आके। देखो इसमें दोबारा से पानी भर गया और बारिश के टाइम पर इसमें हम कॉन्टिन्यूसली पानी पीते रह सकते हैं। अमेजिंग है यार। फिलहाल हम लोग यहाँ पर अपनी गेम सेव कर लेते हैं। तो चलो गाइस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना और मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि आखिर हम लोग इस ग्रैपलिंग हुक को कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है बीच रास्ते में मुझे बहुत सारी जगह मिली थी जहाँ पर ये यूज होता है। बाकी हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना, नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है उसे जल्दी से दबा दो और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।